Hi, I'm Dr. Sunil Richardson. We have a very special case that we're going to start just now. Adult cleft palate. So this guy has never ever been operated for his cleft palate. Various reasons told to me by him and his relatives. One being they were fearing this kind of surgery when they were young. They come from the North Indian city of Lucknow. This is near Delhi. Karo. Look at that. And you can see the muscles in the posterior part right there. It's trying to come in front and touch with the muscles here. But since there are no muscles, then the speech doesn't develop. A, B, C, what? Pata? A, B, C, D, E, F, G, S, I, J, A, L, M, N, O. The thing he says now is also wasn't very wide when he was young. And so many people said that this is not going to cause any issues with him with regards to speech. But as you see, it's not true. His speech is not intelligible. It's very difficult to understand. It's totally nasal. He has a lot of issues with speech. And I have to tell you that we are unable to get 100% speech for patients of this age group. Namaskar, I'm Dr. Sunil Richardson. So, हमारे साथ ये patient हैं जो जिनका cleft palate surgery किया है. ये सर्जरी हमने 5 दिन पहले किया था. ये पेशेंट अभी 25 इयर्स है ना आपका, 25 साल के हैं और अभी तक इनका सर्जरी नहीं हुआ था. बहुत ही बड़ा क्लेफ्ट पैलेट था. ये लखनऊ शहर से आए हमारे यहाँ पे और ये जो आप देख रहे हैं अंदर, ये 5th डे पोस्ट ऑप, मतलब सर्जरी करने के बाद 5 डेज हो चुका है. आपको पेशेंट का यूला दिखाएंगे अभी हम. ये देखो, ये है यूला. पहले तो देयर वाज नथिंग, बस ओपनिंग था. एन आईपैड एंड प्री ऑफ फोटो गुंडो बाबू. और आप देख पाएंगे कि साइड में भी अभी हीलिंग काफ़ी होने के लिए बाकी है, बिकॉज देयर इज अ स्मॉल गैप यहाँ पे. वहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से हील हो गया है. तो ये क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी आइडियली 10 मंथ एज पे करनी चाहिए हमें. अगर इतने जल्दी एज पे नहीं किए तो दे हैव प्रॉब्लम्स विद स्पीच, बात करने में मुश्किल होगी. लेकिन अडल्ट एज में भी सही तरीके से अगर किया जाए तो पेशेंट को बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलता है. क्यों मिलेगा? बिकॉज हम लोग ये मसल्स को करेक्ट पोजिशन में जब सूचर करेंगे तो उसके वजह से ये जो मूवमेंट आती है पीछे मसल्स में वो बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी और उसके वजह से इनके स्पीच में कई गुना इम्प्रूवमेंट मिलता है. इवन दो, मतलब आइडियली तो एज है 10 महीना है, लेकिन फिर भी 40-45 एज वाले पेशेंट्स को भी हम बहुत इम्प्रूवमेंट स्पीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर सही ढंग से सर्जरी किया जाए तो. यस, ये मेजर सर्जरी है लेकिन रिजल्ट इसमें उनको बहुत बढ़िया मिलेगी. आपको दिखाएंगे कैसे थे सर्जरी से पहले. ये देखो, पूरा अंदर ओपन था. बहुत ही बड़ा क्लेफ्ट पैलेट था. आपको नजर आ रहा है ये कितना वाइड है. और अभी आप अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा. करो बेटा, करो अच्छी तरह से. अब देखो, अब वहां पे ऐसा कहीं से इसके लिए हमने टिश्यू लिया नहीं है. सारे टिश्यूज यहीं से ऑपरेशन करके ये जो मसल्स को सही ढंग पे, सही तरीके से, सही जगह पे सूचरिंग किया है. इसका यही एक ट्रिक है और कुछ नहीं. और आपको पता लग रहा है इसमें कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है इनका. और ये अभी भी आपको स्टिचेस दिखेंगे अंदर, यू कैन सी द स्टिचेस. और ये स्टिचेस 3 या 4 हफ्ते तक रहते हैं, उसके बाद ये स्टिचेस अपने आप पिघल जाएंगे. स्टिचेस के जाने के बाद इनका स्पीच थेरेपी आरंभ होगा. स्पीच थेरेपी कम से कम 3 या 4 महीने की जरूरत है बिकॉज ये अडल्ट पेशेंट है. स्पीच थेरेपी की क्यों जरूरत है? बिकॉज ये जो मसल्स हमने अभी वहां पे सर्जरी करके लगाई है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत जरूरत है. 3-4 महीने स्पीच थेरेपी के बाद ऐसे पेशेंट्स की स्पीच 80% से 100% तक हो जाता है. मतलब जो स्पीच था उसका इतना इम्प्रूवमेंट. हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स हैं, ये क्या दो नहीं, जिनके स्पीच को एकदम नॉर्मल किया है हमने. इसके बाद VPI के लिए कोई टेस्ट भी है, लैटरल फ्लोरोवीडियोस्कोपी, नेसो एंडोस्कोपी,
और ये टेस्ट की वजह से हम विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट हमको पता कर सकते हैं कि कहाँ कौन सी लेवल पे इनका स्पीच का इश्यूज है। ये अगर इनका 100% स्पीच नहीं आता है तो कौन सा भी एज में वी आर एबल टू गेट बहुत इम्प्रूवमेंट विद स्पीच। और ये एक मतलब एक एक्सट्रीम केस है जहाँ पे हमने इतना लेट पे इतना वाइड क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी की है और उसके बाद आप इमीडिएटली जो रिजल्ट है देख रहे हैं 4 वीक्स के बाद स्पीच थेरेपी ऑलरेडी बताया हमने पेशेंट को और उसके बाद आपको रिजल्ट थ्री फोर मंथ्स में बढ़िया मिलेगा। ठीक है आप हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ बताने चाहेंगे? बिल्कुल मैं सभी फ्रेंड्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग डरते हैं जिनकी फैमिली डरती है वो सोचते हैं कि कोई रिस्क होगा या फिर डरते हैं उनके फैमिली मेंबर्स डरते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग आगे बढ़ें और ऐसी थिंकिंग अगर किसी के अंदर हो तो वो बिल्कुल भी ना रखें और अगर ऐसा कोई मतलब पेशेंट है या फिर ऐसा कोई लड़का है तो उसको ऑपरेशन बिल्कुल करवाना चाहिए। ओके थैंक्स। और आपको आप लखनऊ से आए और यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? ये 5 दिन दुनिया की पूरा आपका है ना, आप कल निकल रहे हो वापस और मतलब आपको कोई दिक्कत हुआ है आने में? नहीं, नहीं। तो त्रिवेंद्रम से आए आप? यस सर, त्रिवेंद्रम से। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अमरेंद्र उपाध्याय है, मैं राहुल मिश्रा का भाई हूँ और मैं त्रिवेंद्रम से यहाँ पे आया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हेल्पिंग जितने भी स्टाफ हैं काफ़ी हेल्पिंग है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती और किसी को डर लगती है सबको, लेकिन डर सबको लगती है लेकिन डर क्या ही चीज है। वो तो सही है। और ये तो है जो हमने किया, माइनर सर्जरी भी नहीं है, मेजर सर्जरी भी नहीं है, एक्स्ट्रा मेजर सर्जरी। मैं आपको दोबारा ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मेजर सर्जरी में जब इतना जल्दी और इतना क्विक हीलिंग होता है तो आप सोचो माइनर सर्जरी में क्या होगा। ज्यादातर पेशेंट्स को माइनर ही होता है या चलो मेजर हो जाता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा मेजर सर्जरी से इनका हुआ है, हम आपको बताया कि और 4 हफ्ता लगेगा आपको डाइट कंट्रोल सब कुछ, तो इसीलिए डरने की बात नहीं है। हर रोज करीबन 10-15 पेशेंट्स हमें पूछते रहते हैं दिल्ली से, मतलब पता नहीं नॉर्थ इंडिया से, और उनका मेन डाउट रहता है कि एक तो हॉस्पिटल बहुत दूर में और दूसरा 25 साल तक ये बात नहीं कर पाए या 10 साल तक ये प्रॉब्लम से जीते आ रहे हैं, तो ये अभी उनको विश्वास करने के लिए मुश्किल होता है कि अभी कैसे ठीक हो जाएगा, है ना। और दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बोलते हैं नहीं अभी बस ऐसे ही छोड़ दो, या बोलेंगे ये रिस्क ज़्यादा है, ये है वो है। तो आपको अगर ऐसा कोई भी डाउट है, शायद आपको 10 डॉक्टर्स ने बताया होगा कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, इन्होंने भी बहुत डॉक्टर्स के पास गए थे यहाँ आने से पहले, ऐसा भी अगर होगा तो फिर भी हमें कॉन्टैक्ट करो व्हाट्सएप में, अपना डिटेल्स बताओ, हो सकता है तो हम आपको इम्प्रूवमेंट कर देंगे। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो जाता है, हो भी सकता है सारे पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा हमारे से, लेकिन जितना पेशेंट्स का इम्प्रूवमेंट हो सकता है उतना हम आपको बता देंगे, तो उसमें आपको फिर बहुत ही फर्क आएगा आपके लाइफ में उसके बाद। ठीक है।